दोस्तों एनिमल किंगडम एक ऐसा नाम है जहां पर जानवर भले ही एक दूसरे के दुश्मन हो, लेकिन उन्हें अपने शिकार से बचने के लिए या फिर शिकार पकड़ने के लिए भगवान ने सबको अलग अलग खूबियां दी हैं, और इन सभी खूबियों का इस्तेमाल करके ये जानवर अपने भोजन को आसानी से ढूंढ पाते हैं, यानी शिकार कर पाते हैं। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि एनिमल किंगडम में मौजूद जानवरों की ये खूबियां या यूं कह लें कि पैतृक काम ही ना आए, तो क्या ये जानवर भूखे मर जाएंगे? तो आपका जवाब होगा जी बिल्कुल, भूखे मर जाएंगे। तो आज हम आपको एनिमल किंगडम में सबसे तेज दौड़ने वाली यानी रफ्तार के नाम से मशहूर चीता से मिलवाते हैं, जो भले ही अपनी रफ्तार के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि वो अपनी खूबियों की वजह से मात खा जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। भारत में पूरे 7 दशक के बाद चीतों की वापसी हो गई है। ये सभी 8 चीते नामीबिया से मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कुनो नेशनल पार्क में लाए गए हैं। इन 8 चीतों में से 2 चीते सगे भाई हैं। ये जानना जरूरी है कि 8 चीतों में से 3 चीतों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लीवर खींचकर बाड़े में छोड़ा। अपनी तेजी को लेकर जाने वाले चीतों के बारे में ये भी कहा जाता है कि चीते इंसानों पर हमला नहीं करते और ये जानवर आराम भी खूब पसंद करता है। चीते कैट प्रजाति के जानवर हैं और ये ना तो दहाड़ सकते हैं और ना ही रात में शिकार कर सकते हैं। बता दें कि भारत में चीते 1952 में विलुप्त हो गए थे, अब उन्हें दोबारा बसाने की कोशिश हो रही है। दरअसल बाघ, शेर और तेंदुए की तरह चीता दहाड़ता नहीं है। चीते बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं की आवाज करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि चीते कभी कभी चिड़ियों की तरह बोलते हैं। चीता सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। बहुत तेजी से दौड़ने के बावजूद भी चीते 300 मीटर से ज्यादा दूरी तक नहीं दौड़ सकता। वहीं चीता बिल्ली प्रजाति के दूसरे जीवों की तरह बहुत ज्यादा आराम पसंद है। तेजी से दौड़ने वाला ये जानवर रात में शिकार नहीं करता। हालांकि दूसरी बिल्ली प्रजाति के समुदाय रात में भी शिकार करते हैं। अमूमन चीते अपने शिकार को घेर कर मारते हैं। चीतों के मनपसंद भोजन में चीतल, हिरन, श्वान है। हालांकि चीता के शरीर पर चित्तीदार निशान ही इसकी पहचान है। चीता सूरज की तेज रोशनी में भी साफ साफ देख सकता है। इसकी वजह चीता की आंखों के नीचे धारीदार निशान होते हैं। मादा चीता अकेले रहना पसंद करती है, जबकि नर झुंड में रहते हैं। मादा चीता शावकों को अकेले पालती है, उन्हें दिन में माद में छिपाती है और जैसे जैसे वे बड़े होते हैं उन्हें अपने शिकार कौशल सिखाती है। लेकिन दोस्तों ये तो थी चीतों के बारे में कुछ ऐसी बातें जो हमने आपको बताई। लेकिन अब हम आपको जो दिखाने वाले हैं उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भले ही चीता जैसा जानवर भागने में तेज हो सकता है, लेकिन वो शिकार करने में पीछे रह जाता है। दरअसल चीते का शरीर काफी हल्का होता है, जिस वजह से वो रन तो अच्छा कर पाता है, लेकिन वो जब शिकार को पकड़ता है तब वो कई बार चोटिल हो जाता है। दरअसल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये मादा चीता अपने नन्हे बच्चों के लिए शिकार करती है, वो भी एक नर इम्पाला का। इम्पाला चीते के साइज के मुताबिक काफी बड़ा है, लेकिन फिर भी मादा चीता इस पर हमला कर देती है। लेकिन इम्पाला अपनी पूरी ताकत के साथ इस चीते को नीचे घसीट देता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इस मादा चीते के साथ इसके नन्हे बच्चे भी अपनी माँ का साथ देते हैं। लेकिन इस फाइट में इम्पाला का सींग, जो उनका सबसे बड़ा हथियार होता है, वो सीधे मादा चीता के पेट में जा घुसता है और वो पूरी तरह से घायल हो जाती है। अब ऐसे में वो ठीक से चल भी नहीं पा रही, तो वो अपने लिए और अपने बच्चों के लिए शिकार कैसे करे भला। लेकिन इस दौरान इम्पाला तो उसे पूरी तरह घायल करके भाग चुका होता है। अब आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये चीता मादा अपने बच्चों के साथ शिकार से आ रही है, लेकिन ये भी काफी घायल है क्योंकि इसके पैर काफी जख्मी हो चुके हैं, जिस वजह से ये अपने शिकार को पकड़ ही नहीं सकती क्योंकि ये दौड़ ही नहीं पाएगी, तो अपने लिए और अपने बच्चों के लिए शिकार कैसे करेगी, जिस वजह से इनके बच्चे भूखे मर जाएंगे। लेकिन कई बार देखा गया है कि इन नन्हे से शावक पर शेर जैसे खूंखार जानवर हमला कर देते हैं और अपना भोजन बना लेते हैं। लेकिन ये नन्हे शावक भी नन्हे जानवरों को अपना शिकार बनाते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, बनी हैजर की तरह दिखने वाले ये चीते के बच्चे हैं, लेकिन इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये हनी बैजर है, क्योंकि चीते के नन्हे शावक का रंग रूप हनी बैजर की तरह होता है, जो ऊपर से सफेद और नीचे से ब्लैक दिखाई देते हैं, जिस वजह से कोई भी जानवर इन पर हमला करने से डरते हैं। और हनी बैजर काफी ज्यादा आक्रामक स्वभाव के होते हैं, लेकिन शेर जैसे खूंखार जानवर इन पर हमला कर इन्हें अपना शिकार बना लेते हैं, और वो भी तब जबकि इनके पास से देखकर समझ जाते हैं कि ये हनी बैजर नहीं है, क्योंकि हनी बैजर एक ऐसा जानवर है जो बेहद आक्रामक स्वभाव का भी होता है।
लेकिन इसकी त्वचा भी काफी मोटी होती है, जिस वजह से कोई भी जानवर उसे जल्दी अपना शिकार नहीं बनाता, हालांकि वो जल्दी हार भी नहीं मानता। यही वजह है कि चीता के नन्हे शावकों को हनी बैजर जैसे दिखने पर काफी फायदा होता है, लेकिन 6 महीने बाद उनके ये सफेद बाल झड़ जाते हैं और वो लगभग अपने प्रजाति की तरह दिखने लगते हैं। लेकिन इनमें से 17% चीता के शावक बड़े हो पाते हैं और बाकी के शावक या तो बीमारी से या फिर किसी जंगली जानवर के शिकार बनने के कारण मारे जाते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ ये शेर या फिर बाघ ऐसे जानवर हैं जो चीते के शावक को अपना शिकार बनाते हैं, बल्कि चीते भी शेर और बाघ के शावक को अपना शिकार बनाते हैं। और शायद इसी बदले की भावना से ये लोग एक दूसरे के बच्चे को मौत के घाट उतार देते हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि बदले की भावना सिर्फ इंसानों के अंदर देखने को मिलती है, बदले की भावना तो जानवरों में भी देखने को मिलती है और इसका जीता जागता उदाहरण हम आपको देते हैं। दरअसल कुछ समय पहले महाराष्ट्र के भीड़ जिले के माजल गांव में एक अजीबोगरीब खबर आई थी, जिसमें गांव में बंदरों के एक समूह ने बदला लेते हुए करीब 250 कुत्तों को मार डाला। माजल गांव के लोगों का कहना है कि बंदरों द्वारा कुत्तों से बदले की ये घटना बीते एक माह से जारी है। बंदरों के एक समूह ने बदला लेते हुए करीब 250 कुत्तों को मार डाला है। क्षेत्र के सभी लोग बंदरों के इस बदले की कार्रवाई से हैरान थे। इस बारे में गांव के लोगों ने वन विभाग से संपर्क किया और उनसे हमलावर बंदरों को पकड़ने का अनुरोध किया। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम पहुंची और काफी मशक्कत के बाद 2 खूंखार बंदरों को पकड़ लिया गया। हालांकि ये हमने आपको एक उदाहरण के तौर पर बताया, लेकिन ये एक सच्ची घटना है। वहीं अब वापस आते हैं टॉपिक पर। तो आपको बता दें, चीते एक ऐसे जानवर होते हैं जिनसे उनका शिकार भी छीन लिया जाता है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर आपके इलाके में आपसे ऊपर कोई प्रतिद्वंदी है तो आप संभल कर चलना पसंद करेंगे। ऐसा ही कुछ एनिमल किंगडम में भी देखा गया है। वहाँ भी हर कोई एक दूसरे का दुश्मन है, लेकिन जिंदगी तो गुजारनी है, तो वहाँ के जानवर एक दूसरे का शिकार करके ही अपना दिन गुजार रहे हैं। वैसे दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे चीता के बारे में, जो वाकई अपने रफ्तार के लिए जाना जाता है। हालांकि अपनी रफ्तार के लिए जाना जाने वाला ये जानवर अगर दौड़ न पाए तो इसके लिए शिकार करना बेहद मुश्किल होगा। इसलिए भगवान ने हर किसी को अपनी अपनी खूबी दी है। हालांकि आप क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो पर, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके।